कोई दम नहीं था। आइडियल गैस ही इट इंजन ऑपरेट, देखो करने इंजन पे बहुत सवाल बना प्यारे बच्चों। आइडियल गैस जो है वो ऑपरेट करता है, टेम्परेचर रेंज आपको दिया हुआ है T1, हाइयर टेम्परेचर ये जो होता है वो T1 होता है, 2227 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें 273 ऐड कर दोगे तो 200, 400, 500 केल्विन, ये हाइयर टेम्परेचर। T2 सोर्स का टेम्परेचर हाइयर होता है 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसमें 273 ऐड कर दोगे तो 200, 300 और 400 केल्विन इतना आ जाएगा, ठीक है ऐसा दिया हुआ है। इट ऑब्जॉर्व 6 कैलोरी या फीट, कहाँ से ऑब्जॉर्व किया, देखो ये हम लोगों का इंजन होता है, ये वर्किंग सब्सटेंस है, ये सिंक है, ये सोर्स है, कुछ वर्क डन हो गया, कुछ हीट आई, कुछ बेकार चली गई, ये सोर्स होता है टेम्परेचर T1 पे, ये सिंक होता है बेकार टेम्परेचर T2 पे, वर्क डन, इसमें हीट Q1 होता है, इसमें हीट Q2 होता है, वर्किंग सब्सटेंस के हेल्प से Q1 माइनस Q2 वर्क डन हो जाता है जी। बेसिक यहाँ से हीट आती है सोर्स से, सोर्स हाई यहाँ से अब्जॉर्ब होता है, कौन अब्जॉर्ब करेगा, ये वर्किंग सब्सटेंस, तो यहाँ से हीट लिया गया Q1 लिया गया, यहाँ से कितना हीट लिया गया Q1 6 किलो कैलोरी, इसका मतलब ये हुआ कि Q1 6 किलो कैलोरी इसकी वैल्यू दी हुई है और टेम्परेचर रेंज आपको दिया हुआ है, तो वर्क डन कन्वर्टेड इंटू वर्क, अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इंटू वर्क, मतलब W की वैल्यू निकालनी है, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट वर्क डन W। अब देखो कैसे किया जाए, इसको आसान सवाल है ये भी, जब T1 T2 दिया हुआ है तो इफिशेंसी निकालना है ईटा, क्योंकि ईटा 1 माइनस T2 अपॉन T1 और ईटा W अपॉन Q1, यहाँ से अगर मुझे इफिशेंसी पता चल जाए तो इफिशेंसी को डिफाइन करते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट एक्सट्रैक्टेड, लिया गया हीट कितना ऑब्जॉर्व हुआ, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 400 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू W अपॉन Q1, इसको सॉल्व करो तो 500 100 1/5, तो W इज इक्वल टू 5 और Q1 की वैल्यू 6 है, तो W इज इक्वल टू Q1 उल्टा लिख दिए थोड़ा सा यहाँ से, तो W की वैल्यू आ जाएगी 400 500 200 कट गया, तो W इज इक्वल टू Q1 अपॉन 5, मतलब 6/5, तो 6/5 1.2 कैलोरी, किलो कैलोरी में इतना जो है वर्क डन हुआ होगा, ठीक है 6 कैलोरी लिया गया था, कुछ बेकार चला गया, कुछ वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, कितना बेकार गया उसमें से घटा